जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो फकीरी रंग के दोस्तों, ये सरदार जी का नारा बुलंद किया, सरदार जी ने सुना तो होगा। तो ये सच्चे हैं, स्पेशल हैं, मौला के दीवाने हैं, मलंग हैं। तो पेशावर से आते हैं बाबा, कोई इंडिया से नहीं आते, ये पाकिस्तानी हैं, सच्चे पाकिस्तानी। और हर वली फ़कीर दरवेश के मानी चाहने वाले, अदबो अदाब में रहने वाले। तो बाबा जी पूरी संगत को लेके पेशावर से बाबा लाल शाह सुरासी सईदा उर्स मुबारक पे तशरीफ लाए हैं। तो इससे पूछते हैं कि बाबा लाल बादशाह सरकार आके आपको कोई टेंशन, कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं होती? तो कोई पैगाम देना चाहे आप यहाँ की दुनिया को, और भी किधर किधर भी आप इंटरनेशनल पैगाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं। सरदार जी आपका इस्म शरीफ क्या है बाबा जी? सरदार राज सिंह। सरदार राज सिंह साहब माशाल्लाह जी। तो राज बाबा जी आप राज तो कर रहे हैं फुकरा पे, बिस्मिल्लाह स्पेशल मौला का। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि संगत के लिए अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, बस बिस्मिल्लाह सहूलतें होनी चाहिए, बिस्मिल्लाह लंगर का निज़ाम अच्छा होना जी, बिस्मिल्लाह फ़कीर के तौर पे लंगर अच्छा मिलना जी जी, सुभान सबको सहूलत से मिलना चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ बाबा लाल बादशाह सरकार को कभी किसी किस्म की टेंशन नहीं, खास नहीं है, संगतों ने बहुत कुछ किया हुआ। अच्छा जी, बाहर से संगतें आती हैं, अपना पकाती हैं, अपना खाती हैं और लोगों को भी खिलाती हैं। तो इस दफ़ा अपने लंगर खाने हैं, उन पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। जो बाबा जान का अपना लंगर खाना है वहाँ तो हर से उस पर लंगर बेबहा है। वाह वाह। तो कोई इस दफ़ा को किसी को पुलिस ने सुना को बड़ा तंग किया है मलंगों को इस दफ़ा? बस जिन्होंने कोई गलत काम किए होंगे उनको तंग किया होगा। जी 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 जी, ये तो मैंने सुना है अभी इस दफ़ा कि ये थोड़ी सी टेंशन हुई है, मेला थोड़ा सा ख़राब हुआ है इस वजह से, महंगाई की वजह से भी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जी? जी महंगाई की वजह से भी थोड़ा सा असर पड़ा है मेले पर। जी जी, पेट्रोल भी काफ़ी महंगा, किराए ज़रा ज़्यादा थे, और जो उनकी जो खुर्दो नोश की अशिया वगैरह हैं ये भी ज़रा एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो इस वजह से हर लोग मिलजुल कर बहुत कस्मा कुर्सी के हालत में भी मेले को मतलब के जारी रखे हुए हैं। जी जी जी। वैसे पिछले साल से इस साल मेला थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा कम जी कम इस यही वजह ना कि लोगों की जो उनकी मतलब आमदन है वो कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। जी जी जी, सुभानअल्लाह। ये तो बात है जी आपकी, महंगाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफ़ी लोग नहीं आ सकते, तनहाई नहीं बड़ी, सिर्फ महंगाई बड़ी जी, बस यही बात है जी जी, ऐसे ही ऐसे। तो ये है जी बाबा इसहाक सिंह जी, स्पेशल दरवेश सरकार, कलंदरी मानू, कलंदरी मलंग मालक, सुभान अल्लाह। तो बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, दुनिया को कुछ नहीं कहना। अच्छा जी, दुनिया बड़ी जालिम है, तो सुभान अल्लाह जी। प्यारे दोस्त, मैं अब्दुल अजीज कादरी जिलानी कलंदरी लाउथी लाल साईं को सलाम करने आए। वाह, तो यहाँ के बहुत मज़ा आता है, रूह को सुकून मिलता है, ज़्यादातर हमको सुकून रात को मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून यहाँ पे मिलता है। सुभान अल्लाह, जब खामोशी होती है। हाँ खामोशी होती है, बहुत सुकून होता है, रात को भी खामोशी नहीं होती है, माशाल्लाह बहुत रौनक लगी होती है। तो बाकी जिसने भी पुलिस के बारे में कहा ठीक है, जो गलत काम करता है उसे जी सलाम जी, उसकी पकड़ जरूरी है, जरूरी बात जी, है। ये दरगाह यहाँ मांगने आते हैं जी जी, अल्लाह से हम मांगने आते हैं जी जी जी, यहाँ से अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुनता है, सुनता है बेशक, इसलिए हम यहाँ पे मांगने आते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में ऐसे लोग आते हैं उनको सजा भी फौरी तौर पर फौरी मिलनी चाहिए ना जी, बुरे बुरे काम का बुरा अंजाम, अच्छा करोगे अच्छा होगा।
औलिया कराम के दरबारों पर आएँ और उस जगह का एहतराम करें। जी 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 जी। और औलिया कराम से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ से जुड़े नेक लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह बज़ाहिर तो अल्लाह ही मुश्किलें आसान करना है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में ये औलिया कराम इसलिए भेजे हैं कि ये मखलूक की खिदमत करके यहाँ तक पहुँचे। जी बेशक बेशक। तो हम आज जितने भी यहाँ ज़ाहिरीन आए हुए हैं, सफाई का खुसूसन ख्याल रखें, एक दूसरे के माहौल का ख्याल रखें, आजी, आजी, आजी। और यहाँ से कुछ लेकर जाएं, डिसिप्लिन, हाँ जी बेशक लेके जाएं, अच्छा पैगाम दें वलियों की दरगाहों से। ये कामल वली हैं, कामल वली हैं, इनके बेटे जिंदा पीर फदा हुसैन शाह, जी जी जी, वो भी औलिया कराम में, जी दरियाए दरियाई हैं। तो जब भी यहाँ आए, अदब एहतराम से आए और नेक नीयत से आए, और जो भी बंदा जो नीयत लेकर आता है वो उसी के मराद से इतना हिस्सा वो लेके जाता है, चाहे वो अच्छी नीयत से आए तो अच्छी चीज़ लेके जाएगा, तो वलियों के दर से अच्छी चीज़ें ही मिलती हैं। जी बेशक बेशक। बुरी का तो वो खुद जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है। तो जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, किसी को तकलीफ भी होती है, वलिया के दरों पे आने तकलीफ भी होती है, थोड़ी बहुत तकलीफें मुश्किलें भी होती हैं, इसे हमें सह लेना चाहिए। तो हम खसूसन सरदार जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इतने दूर से औलिया इकराम के दर पर आए और अकीदत रखते हैं ये लोग। यहाँ पे ये इनका असर मुसलमानों का मज़हब के लिए ये नहीं है, ये हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, हर मज़हब के साथ इनका तल्लुक है, अल्लाह वाले जो होते हैं। और यहाँ पे नॉन मुस्लिम की भी इनके साथ कपड़े हैं। अलपीर साहब ने जुमे में भी बताया है कि यहाँ पर जितना हम मुसलमान से अकीदत करते हैं, इतने ही गैर मतलब दूसरे मजाहब के लोग भी इनके अकीदत मंद जो है वो इतनी मोहब्बत करते हैं। जी जी जी। तो हम तमाम यहाँ आने वालों को शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह ताला इसी तरह यहाँ पे रोन के लगी रहे, और जो जो नहीं आ सके उन्हें अल्लाह आने की तौफीक दे। आमीन आमीन। देखे जी, असल मकसद है कि अल्लाह पाक ने पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, इबादत के लिए वगरना काफ़ी थी करोबिया। तो अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये अल्लाह से मिला देते हैं। निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती लाखों की तकदीर देखी। तो एक पैगाम है, एक बात है कि दुनिया च हर बंदा आंदा है जान वास्ते, कोई आता है कोई जाता है, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं, वक्त ख़त्म होते ही रूह ले जाएगा इज़राइल, वक्त ख़त्म होते ही रूह ले जाएगा इज़राइल, ठीक कर ले मौत से पहले हिसाब ज़िंदगी। तो लोए लोए भांडा भर लवे ना जेड़ा, वो फायदे च रहा। तो सरदार जी कुछ कहना चाहेंगे? बस अल्लाह, बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। प्यार करें, प्यार करें, किसी से प्यार करें, जी जी, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।